आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा इलेक्शन की। जी हां, भिवंडी के लोकसभा इलेक्शन में सभी पार्टियां या सभी संस्था या सभी ग्रुप या सभी एनजीओस जो हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों को या अपनी अपनी पार्टियों को या जिस लोगों को जो पार्टी पसंद आ रही है उनको समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और उन्हें जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही में जो भिवंडी की है AIM जो अब तक अपने पत्ते नहीं खोले है और आज इनकी एक जोरदार मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में क्या तय हुआ है ये गुप्त रखा गया है, क्योंकि MIM अपनी जो पत्ते हैं वो 3 तारीख को खोलेगी। भिवंडी के अमूल कामले के नेतृत्व में ये मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में काफी तादाद में लोग जमा थे, लेकिन काफी जिम्मेदार जो महत्वपूर्ण पद अधिकारी थे उन्हें गैर हाजिर देखा गया, बैरकैब। लेकिन ये मीटिंग सक्सेसफुल रही है और इस मीटिंग से ये माना जा रहा है कि 3 तारीख को, यानी आने वाली 3 तारीख को MIM एक बड़ा खुलासा कर सकती है, या हो सकता है कि MIM खुद अपना कैंडिडेट भी यहां से खड़ा कर सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे सकती है जिन्हें वो ये चाहती इस तरीके से देख रही हो कि वो विजय हो सकता है। तो आने वाली 3 तारीख का इंतजार करते हैं और MIM के इस ऐलान का भी इंतजार करते हैं कि MIM किस पल्ले में जाकर अपना झंडा गाड़ती है।